नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी को अलविदा कहकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गई हैं। प्रियंका ने कांग्रेस के इस्तीफे की वजह मथुरा में हुई बदसलूकी को बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने पार्टी में मिली जिम्मेदारियों के लिए शुक्रिया अदा करने के साथ ये भी लिखा कि पिछले कुछ वक्त से उनके काम की पार्टी को कद्र नहीं रही। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस में जब कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन वापस उन्हें पार्टी में जगह दी जाती है, इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। शिवसेना में शामिल होने के बाद प्रियंका ने कहा, मेरी जिम्मेदारी मुद्दों को लेकर के है। मैं मुंबई के लिए काम करना चाहती हूँ, यही कारण है कि इस दलों में शामिल हुई। मैंने टिकट की वजह से कांग्रेस नहीं छोड़ी। मथुरा से मेरे माता पिता आते हैं, लेकिन मैंने वहाँ से टिकट नहीं मांगी थी। मैंने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है। मैंने पार्टी को बताया था कि मेरी क्या तकलीफ है। महिला सम्मान बड़ा मुद्दा है। शिवसेना में शामिल होने पर उन्होंने कहा, मेरा कभी भी शिवसेना को लेकर मन परिवर्तन नहीं हुआ। शिवसेना से मेरा बचपन से जुड़ाव रहा है। महाराष्ट्र वालों के दिल में शिवसेना राज करता है। मैं निष्ठा से सच्चाई से बता रही हूँ कि मेरी कुछ भी उम्मीदें पार्टी से नहीं हैं। मैं सेवा भाव की निष्ठा से जुड़ी हूँ। पदवी को लेकर नहीं आई हूँ। अब मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूँ। प्रियंका ने कहा कि मुझे पता है अब मेरे ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, पिछले ट्वीट्स को उछाला जाएगा, लेकिन मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। इस मौके पर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना प्रियंका जी का स्वागत करती है। प्रियंका जी, आप पूरे देश में शिवसेना के लिए काम करेंगी। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी के इस्तीफे के पीछे कई राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। प्रियंका खुद चुनाव लड़ना चाहती थी और उनकी नज़र यूपी की मथुरा सीट पर थी, लेकिन मथुरा की सीट कांग्रेस ने महेश पाठक को दे दी थी, जो मुंबई के बिजनेसमैन हैं। प्रियंका मुंबई की एक और सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, जो संजय निरुपम को मिल गई। वजह यह बताई गई कि संजय निरुपम मुंबई प्रदेश अध्यक्ष के नाते पिछले 5 सालों से सड़कों पर आंदोलन करते रहे। दूसरा, कांग्रेस ने मुंबई से प्रिया दत्त और उर्मिला मातेंडकर यानी दो महिलाओं को टिकट दे दिया था। तीसरी महिला उम्मीदवार के लिए अब वहां जगह नहीं बन रही थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि प्रियंका के इस तत्कालिक फैसले के पीछे भले ही मथुरा की घटना हो, लेकिन इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक सोच भी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।